हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कच्चे केले के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़ी साइज के उबले हुए कच्चे केले। कच्चे केले को प्रेशर कुकर में 3 विसल बजाकर बॉईल कर ले और उसके बाद उसको छिलके निकालकर मैश करके उसे हल्का सा ठंडा करके इस्तेमाल करें। पराठे का आटा, यहाँ पर मैंने पराठे बनाने के लिए गूंथा हुआ आटे का इस्तेमाल किया है। जो हम पराठे या तो स्टफ पराठे बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल करते हैं वही आटा है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 टेबलस्पून तेल हमें चाहिए मसाले में तड़का लगाने के लिए और दूसरा तेल हमें चाहिए पराठे को सेकने के लिए। 1/2 टेबलस्पून तिल, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टेबलस्पून पंजाबी पराठा मसाला। अगर आप इस मसाले को इस्तेमाल करके कच्चे केले के पराठे बनाएंगे तो सभी कहेंगे कि वाव, आज से पहले इतने स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाए। इस पंजाबी पराठा मसाला की रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च जिसे मैंने चिली कटर में क्रश करके ले लिया है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को क्रश करके लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और पंजाबी पराठा मसाला भी तीखा रहता है, तो अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं या तो कम भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसके बदले नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया और आखिर में हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए आज के इस टेस्टी और लाजवाब कच्चे केले के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टफिंग तैयार कर लेंगे और स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने जो कच्चे केले को मैश करके लिया है उसको हल्का सा फैला लेंगे। इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, इसलिए ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। और अगर आप गरम गरम मैश किए हुए कच्चे केले में मसाले करके स्टफिंग बनाएंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा गीला हो जाए और पराठे बनाते वक्त आपको बेलने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए कच्चे केले को थोड़ा सा ठंडा करके ही इस्तेमाल करें। तो अब इसमें काला नमक, आमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने काला नमक का भी इस्तेमाल किया है तो नमक हिसाब से डालें। अब इसे हिला लेंगे, इसे बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स करेंगे जिससे कि नमक वगैरह सभी और अच्छे से घुल मिल जाए। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो मसाले में तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हमने जो तेल लिया था उसमें से 1 बड़ी चम्मच जितना तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें जीरा डालेंगे, जीरे को हल्का सा चटकने देंगे, तिल डालेंगे, तिल भी फूटने लगे है तो इसमें हींग डालेंगे। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, अब हरी मिर्च को हिलाकर तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और अगर आपको लगे कि तेल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है तो गैस को बंद कर लें। इसे लगातार चलाते हुए 15-20 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो मैंने हरी मिर्च को आधे मिनट के लिए भून लिया है। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और अगर बहुत ज्यादा गर्म हो तो बंद कर लेंगे। और अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पंजाबी पराठा मसाला डाल देंगे। तो अब इन मसालों को हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम लगातार चलाते हुए आधे मिनट के लिए या तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे तब तक भून लेंगे। तो मैंने इसे भून लिया है, अब हम गैस बंद कर लेंगे। अब इस तड़के को हम कच्चे केले वाले बाउल में डाल देंगे, इसके ऊपर गरम मसाला डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये 1 चम्मच को मैं साफ करके बाहर निकल देती हूँ। इसमें धनिया भी डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हम बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। इसे हम बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स करेंगे जिससे कि मसाले सभी और अच्छे से घुल मिल जाए। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लिया है और हमारा स्टफिंग तैयार है, तो चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब यहाँ पे पराठे बेलने के लिए चकला ले लेंगे, पराठे का आटा, सूखा आटा डस्ट करने के लिए और हमने जो स्टफिंग तैयार किया वो ले लेंगे। अब सबसे पहले तो हम पराठे के आटे में से थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसकी एक बड़ी साइज की लुई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस लुई को सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी, पराठा या तो पूरी बेलते हैं उस तरह से इसे पूरी जितना बेल लेंगे। तो
तो मैंने इसे पूरी जितना बेल लिया है। अब इसके सेंटर में हम मसाला रख देंगे। तो यहाँ पे सेंटर में 1 से 1.5 चम्मच भर के मसाला रख देंगे। अब इसे सभी किनारों से हम पकड़ के जिस तरह से मोमो मोदक या तो कचौरी बनाते हैं उसी तरह से सभी किनारों से आटे को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ में उठाकर बंद करें जिससे कि आप इसे अच्छे से बंद कर पाए। तो इसे सभी ओर से अच्छे से बंद कर लिया है। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे जिससे कि मसाला अच्छे से फैल जाए। तो मैंने इस तरह से इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। अब इसे सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे। अब इसे हल्के हाथों से पैट कर लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा आटा निकल जाए। अब इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। इस तरह से इसे घुमाते हुए बेलें जिससे कि ये सभी और इवनली बेल जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की स्टफिंग ऊपर से दिख रही है और इसकी ऊपर की लेयर बहुत ही पतली हो गई है। तो बस इस तरह से अच्छे से बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से बेल लिया है। इसके अंदर का मसाला दिख रहा है लेकिन मैंने इसे बहुत पतला नहीं कर दिया है। आप इसे अपने पसंद अनुसार बड़ा छोटा पतला या तो मोटा बेल सकते हैं। तो चलते हैं इसे सेकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। तवा हल्का सा गर्म होते ही उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब जो ऊपर की साइड से मसाला दिख रहा था ना वो साइड तवे पे आए उस तरह से पराठे को तवे पे डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सिकने देंगे। तो पराठा एक साइड से सिक गया है तो इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी गोल्डन चिट्टी आने तक और अच्छे से पकने तक पका लेंगे। तो पराठा दोनों ओर से अच्छे से सिक गया है। अब गैस को फुल फ्लेम पे कर लेंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच जितना तेल लगा लेंगे और इसे पलट देंगे। इसे हल्का सा प्रेस करते हुए और उलट पलट करते हुए दोनों साइड से गोल्डन होने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पराठा कितने अच्छे से फूल कर तैयार हुआ है। तो इस तरह से तेल लगाने के बाद फुल फ्लेम पे इसे पकाने से इसके ऊपर की लेयर बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनेगी। मैंने इसे लाइट गोल्डन होने तक सिकने दिया है लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा कड़क पसंद है तो इसे थोड़ी देर के लिए और सिकने दे। तो पराठा अच्छे से सिक गया है तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारा सुपर डुपर टेस्टी लाजवाब कच्चे केले का पराठा तैयार है। अगर आपको कच्चे केले ना पसंद हो तो भी ये पराठा बहुत पसंद आएगा। आज की मेरी ये कच्चे केले के पराठे की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।